सकते हैं, पाक वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच तो आज शाम को 8 बजे कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की जो फाइनल टिकट वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फैंटेसी ग्रो आरसी सर्च करें। और इस मैच में जो टिकट होगा आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। हम अब बात करते हैं फ्यूचर सपोर्ट के बारे में। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान ओवरऑल बैटिंग की पेसर्स को हेल्प करती है और यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करती है और एवरेज स्कोर 180 के बीच में होता है, 180-90 के बीच में। और रिसेंट के 5 मैच में पाकिस्तान ने 2 जीते 3 लॉस किए हैं, इंग्लैंड ने 2 जीते 3 लॉस किए हैं। दोनों टीमों का बराबर वो है, दोनों टीमों की स्क्वाड देखते हैं। आसिफ अली, बाबर आजम, हैदर अली, खुशदिल शाह, मसूद एजलम, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद नवाज, आदाब खान, मोहम्मद हरीश, मोहम्मद रिजवान, आफ्ताब अहमद, हरीश रॉफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम, नवीन शाह, एज थानी, यूकुदारी। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। अब इंग्लैंड का स्क्वाड देखते हैं। एलेक्स हेल्स, बेन डकेट, डेविड मलान, हैरी ब्रोक्स, जेम्स फॉक्स, विल जैक्स, क्रिस बॉक्स, डेविड फ्ली, लेवेंडरसन, मोइन अली, सैम करन, जॉश बटलर, फिलिप सॉल्ट, आदिल नासिर, लुक वुड, मार्क वुड, ओली स्टोन, क्रिस स्टॉकली, आर्गलेसन, टॉमी। ये दोनों टीमों का फुल स्क्वाड है। पिछले मैच में जो स्क्वाड खिलाई थी हम आपको वो भी दिखाते हैं। अभी पिछले मैच में जो दोनों टीमों ने बैटिंग की लाइनअप खिलाई थी हम देख लेते हैं। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट ने ओपनिंग करी थी, एलेक्स हेल्स आता है तो ओपनिंग करने, डेविड मलान बंडा आता है, बेन डकेट तीसरे नंबर पर आए थे, हैरी ब्रूक्स आए थे, मोइन अली आए थे, सैम करन आए थे। और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग करी थी। दोनों टीमों का पिछले मैच का स्क्वाड ये था, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हैदर अली, एफ मकसूद, आफ्ताब अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, यूकुदारी, हरीश रॉफ, एज थानी, मोहम्मद हसनैन, फिलिप सॉल्ट, एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड का स्क्वाड, फिलिप सॉल्ट, एलेक्स हेल्स, डेविड मलान, बेन डकेट, हैरी ब्रोक्स, मोइन अली, सैम करन, डेविड विली, लेवेंडरसन, आदिल नासिर, एलवुड। अब पाकिस्तान के स्क्वाड का मोहम्मद रिजवान एक बहुत ही अच्छे पिक है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है, आपको हर मैच में पॉइंट देते हैं। आप देख सकते हैं उनकी रिसेंट फॉर्म, 68 रन, 46 बॉलों, 55 रन, 49 बॉलों, 14 रन, 14 बॉलों पर 20 रन, 26 बॉलों पर 71 रन, 51 बॉल। देख सकते हैं कितना शानदार फॉर्म में चल रहे हैं बंदे जी। आपने कैप्टन भी बना सकते हैं स्मॉल लीग में। बात करते हैं बाबर आजम की, जो रिसेंट फॉर्म उनका भी अच्छा चल रहा है, शतक मार के आए पिछले मैच में ये, 31 रन, 24 बॉलों पे, 5 रन, 6 बॉलों पे, 30 रन, 29 बॉलों पे, 14 रन, 10 बॉलों पे। अभी इनकी रिसेंट फॉर्म थोड़ी खास नहीं चल रही थी, पर उन्होंने पिछले मैच में शतक मारा पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप इन्हें ले सकते हैं। पर ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अच्छी है। हैदर अली को आप सिर्फ स्मॉल लीग में तो ट्राई करना, बस ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए इतनी बड़ी खास पिक है नहीं है। इनका फॉर्म ऐसे ही 11 रन 13 बॉलों पे, 20 रन, 19 बॉलों पे, 19 रन, 33 बॉलों पे, 18 रन, 19 बॉलों पे, 6 रन, 8 बॉलों पे। मकसूद भी कुछ खास नहीं करते, इनका बैटिंग ही नहीं आती जल्दी, बहुत नीचे खेलने आते हैं। 7 बॉलों पर 7 रन, 11 बॉल पर 11 रन, 25 बॉल पर 23 रन, 9 बॉल पर 7 रन। आप इनको रिसेंट फॉर्म दे सकते हैं, कुछ खास किया नहीं, आप इनको ग्रैंड में ट्राई करें तभी अच्छा है। आफ्ताब अहमद अगर बॉलिंग कराए तो स्मॉल लीग में आपको अच्छे पिक है, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए सही है। इनका 28 रन, 17 बॉलों पर 32 रन, 31 बॉलों पर ये विकेट, 21 रन, 17 रन, 13 रन, 17 बॉलों पर 30 रन, 33 बॉलों पर 2 रन, 1 बॉल पर। इनका अभी ये अगर ये बॉलिंग कराए तो आपको स्मॉल लीग में सही पिक रहेगा। अब गेम उठेगा कुछ
पैसा का भी कुछ खास पहुंच नहीं है। आपने थोड़ी देर स्टूडेंट किया उस बॉलीवुड तो ये बेहतर है। मोहम्मद नवाज एक आपको कैप्टन बेस्ट कैप्टन वाली चॉइस है, पर अभी रिसेंट के 3-4 मैच कुछ खास नहीं गए हैं। बाकी एशिया कप में इन्हें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, आप देख सकते हैं इन्हें इंडिया के खिलाफ 42 रन मारे थे, 20 बॉल में 1 विकेट भी लिया था। उस्मान कोदारी बहुत ही शानदार बेस्ट बॉलर है, आपको हर मैच में विकेट लेके देते हैं, आप इन्हें लेके चल सकते हैं। हर मैच में आप देख सकते हैं 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट हर मैच में विकेट लेते हैं। आप इन्हें उस्मान कोदारी और हरीश रॉफ बहुत ही शानदार बॉलर हैं, आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस हर मैच में आपको विकेट लेके देंगे। कैप्टन बेस्ट कैप्टन की चॉइस बहुत ग्रैंड जो रिस्क ले सके, स्मॉल लीग में जो रिस्क ले सके नहीं कैप्टन बेस्ट कैप्टन बना सकते हैं। मोहम्मद हसनैन का भी कुछ खास नहीं, वैसे हर मैच में 15 विकेट लेता है, सकते हैं 2 विकेट 21 रन 1 विकेट 34 रन 1 विकेट 38 रन 1 विकेट 25 रन हर मैच में विकेट लिया है, ले सकते हैं स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग अगर विकेट लेना चाहें तो। इनके बेंच के प्लेयर ये आसिफ अली हैं, एक जलमेल है, एस खान, मोहम्मद हजीज है, कुताब अहमद, मोहम्मद वसीम है, नवीन शाह है। इनमें से कोई खेलता है तो हम इनका स्टेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में बात कर लें, यहाँ से फिलिप्स होल्ट ओपनिंग करते हैं, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, पर इनका भी रिसेंट फॉर्म थोड़ा सही नहीं है। आप इन्हें ले सकते हैं इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करें तो आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, वरना आप ग्रैंड लीग में नहीं ट्राई करें फिलिप्स होल्ट। अब बात करते हैं एलिस हेल एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, यह आपको ये जल्दी खेलने के चक्कर में विकेट दे देते हैं या बड़ा स्कोर करते हैं, आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, पर रिस्क होगा बहुत बड़ा। ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहें तो बहुत अच्छा खतरा है, आप इन्हें ग्रैंड लीग में पिक करें, स्मॉल लीग में इतना शानदार करते नहीं है, या आपको इधर बता देंगे इधर जिता देंगे। डेविड मलान की बात कर लें, डेविड मलान कुछ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं अभी, आप देख लीजिए 20 रन 15 बॉल पर 19 रन 18 बॉल पर 58 रन 37 बॉल पर 49 रन 41 बॉल पर ये बंदा आपको स्मॉल लीग में एक बेहतरीन पिक है और शानदार बैटिंग करते हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आप इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं, सेफ पिक होगी। अब बैन डकेट एक शानदार बैट्समैन है, इनका रिसेंट फॉर्म आप दे सकते हैं बहुत शानदार है, आप इन हेल्स की जगह इनको स्मॉल लीग में खिला सकते हैं, बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। बैन डकेट आपको हर मैच में डबल डिजिट में पॉइंट देंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस फॉर ग्रैंड। और हैरी बोक एक ट्रम कार्ड प्लेयर रहेंगे इस मैच में, दे सकते हैं 42 रन 25 बॉल पर 12 रन 20 बॉल पर 29 रन 17 बॉल पर, लोग इन तक इतना गौर नहीं करेंगे, फिर आप इन्हें ले सकते हैं ग्रैंड लीग, आप इन्हें वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं और स्मॉल लीग में एज अ सेफ चॉइस रख सकते हैं हैरी ब्रोक्स को। अब मोइन अली की बात कर लें, मोइन अली एक शानदार ऑलराउंडर है, अभी इंग्लैंड के कैप्टन है, आप देख सकते हैं 7 रन 1 विकेट 23 रन 11 रन 1 विकेट 31 रन, आपको ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस फॉर स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। और अब बात करते हैं सैम करन भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, ये भी आपको हर मैच में पॉइंट देते हुए देखेंगे, पर अभी इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, वैसे बहुत शानदार बॉलर है सैम करन, आप इन्हें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई कर सकते हैं। का कोई रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, आप इन्हें सब ग्रैंड लीग में ट्राई करें तो अभी बेहतर है, स्मॉल लीग में इतना आपको इफेक्टेड नहीं डालेंगे, आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे। लेमन डसन का बहुत शानदार फॉर्म है, आप इन्हें स्मॉल लीग में खिला सकते हैं, मोहम्मद नवाज की जगह आप इन्हें पिक कर सकते हैं, आप इन्हें पिक करें और ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। लेमन डसन आदर आदर
रात से इंग्लैंड के बेहतरीन बॉलरों में गिने जाते हैं, हर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिखेंगे ये। और ग्रैंडली में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। और अलविदा आसिफ को बहुत ही शानदार बॉलर है, आप इन्हें ग्रैंडली में कैप्टन वाइस कैप्टन। अब लुकवुड के बारे में बात करें हम, लुकवुड के बारे में ये भी शानदार बॉलर है, हर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिखेंगे। 3-24-1-19 विकेट लैस, 31-2 विकेट, हर मैच में 5 मैच में से एक मैच में सब विकेट नहीं लिया है, लेकिन हर मैच में विकेट लिया है। और इंग्लैंड के सबसे बेस्ट पे जे बॉक्स, फिल जैक, क्रिस बॉक्स, जॉस बटलर, मार्क वुड, ओली स्टोन, स्टोपली या क्रिश्चियन टॉमी, दोनों टीमों का स्क्वाड है। अब हम आपको इस मैच की डेमो टीम दिखाते हैं, इस मैच की जो फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम का चैनल ये हमारा फैंटेसी ग्रुप, वहाँ से सर्च कर ले टेलीग्राम पर जाकर। हम विकेट कीपर सेक्शन में मोहम्मद रिजवान को खिलाएंगे, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो हम फिलिप सॉल्ट को भी खिला सकते हैं, अभी फिलहाल मोहम्मद रिजवान खिला रहे हैं। और बैटिंग सेक्शन में अभी हम बाबर आजम, बैन डकेट, डेविड मलान और इन्हीं टीम के साथ जाएंगे। और टॉस के बाद जो अपडेट होगा बैटिंग में वो कर देंगे, अभी हम इन्हीं तीनों से जाएंगे। ऑलराउंडर में मोइन अली, सैम करन, मोहम्मद नवाज, हम इन तीन ऑलराउंडर के साथ जाएंगे जो आपको सेफ पिक रहेगी ऑलराउंडर स्मॉल लीग। और उसमें और बॉलिंग सेक्शन में हरीश टॉप, आदिल राशिद, शहनवाज धानी और लुकवुड, 4 बॉलर हैं हमारे। और इसमें हमारे जो कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे बाबर, सॉरी इस मैच में जो कैप्टन होंगे बाबर, मोइन अली रहेंगे वाइस कैप्टन बाबर, और ग्रैंड यूजर्स सैम करन और मोहम्मद नवाज को कैप्टन चॉइस कर सकते हैं ग्रैंड यूजर्स इस मैच में। ये हमारी डेमो टीम है, मोहम्मद रिजन हमारे कैप्टन विकेट कीपर हैं, बाबर आजम हमारे वाइस कैप्टन, बैन डकेट, डेविड मलान, मोइन अली हमारे कैप्टन, सैम करन, मोहम्मद नवाज, आदिल राशिद, लुकवुड, हरीश टॉप, शहनवाज धानी। इस मैच की जो फाइनल टीम होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करें।